दोस्तों 2005 से 100 सीसी स्कूटी सेगमेंट में टीवीएस स्कूटी पेप का अपना अलग दबदबा बना चला आ रहा है। सभी लेडीज को ये पसंद आती है अपने लाइट वेट फीचर के लिए, अपने इजी टू हैंडल फीचर के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं अभी तक जो इसको सभी स्कूटियों से अलग बनाती हैं और ज़्यादातर लेडीज़ की चहिता बनाती हैं। तो दोस्तों अब 2020 में आ चुकी है बिल्कुल ही नए अवतार में टीवीएस स्कूटी पेप प्लस BS6 मॉडल, जो कि FI इंजन के साथ अपग्रेड हुआ है। तो जानेंगे स्कूटी के बारे में डिटेल से सब कुछ, क्या है प्राइस वगैरह, माइलेज, फीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बने रहेगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई, आपको हमारी मेहनत पसंद आई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते बाइक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं टीवीएस स्कूटी पेप के बारे में। फ्रंट हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफी खूबसूरत क्यूट सा हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको हेलोजन बल्ब सेटअप में देखने को मिलेगा। साथ ही में इधर आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, या ये LED DRL देखने को मिलेंगे आपको। स्कूटी पेप प्लस की बैजिंग भी, साथ में नए स्टिकर्स अब देखने को मिलेंगे, नए ग्राफिक्स। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो बॉडी इंडिकेटेड क्लियर लेंस टाइप बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल जो गाड़ी का फ्रंट से लुक है काफी बढ़िया लगता है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अब दोस्तों अगर इसके व्हील साइज की बात करें तो आपको 254mm का व्हील साइज देखने को मिल जाता है, यानी कि अप्रॉक्स 10 इंच का आपको ट्यूबलेस एलॉय व्हील रेडियल टायर देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया लगता है, आप जैसा कि चेकआउट कर पाएंगे आपको टायर साइज में भी कोई कमी नहीं। साथ ही में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर आपको हाई एंड स्कूटियों में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको चेकआउट इसकी सीट करा देता हूँ। तो जो उसका सीट का ग्राफिक्स है काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, साथ ही में काफ़ी सॉफ्ट सीटिंग रहने वाली है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम स्कूटी के सीट को लेकर फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्कूटी पेप प्लस की बैजिंग देखने को मिल जाती है आपको साइड प्रोफाइल पे, काफ़ी बढ़िया लगता है सही से चेकआउट कर। दोस्तों जैसा कि आप इसका फुटबोर्ड देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है, साथ ही में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ फुट स्टोरेज देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया लगता है। प्राइस कटिंग कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर इसके मीटर कंसोल की बात करें तो आपको फुल्ली एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, जिसमें आप अपनी स्पीड, ट्रिप और फ्यूल कैपेसिटी वगैरह चेक कर पाएंगे। साथ ही में इंजन मैल फंक्शन लाइट भी वहीं आपको देखने को मिल जाती है। स्विच गियर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको स्विच गियर्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक फ़ोन चार्जर भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको फ़ोन चार्जर भी इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा फीचर। दोस्तों इस तरफ आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर इस गाड़ी के वेट की बात करें तो इसमें आपको 93 kg का लाइट वेट स्कूटी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये मैंने कर्व वेट बताया, यानी कि बिना फ्यूल के वेट बताया है। दोस्तों अब मैं आपको इसका फ्यूल टैंक भी दिखा देता हूँ, किस तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बूट ओपन करके दिखाया, इसमें काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है, इसमें आप अपना नॉर्मल पेपर वर्क वगैरह रख पाएंगे, साथ ही में छोटा वाला हेलमेट भी रख पाएंगे। इसमें आपको 4.2 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रैब हैंडल डिजाइनर देखने को मिल जाता है। अगर रियर टेल लैम्प की बात करें तो आपको बल्ब सेटअप में बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया लगती है। साथ ही में नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट पे लाइट भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर रियर व्हील के डायमेंशंस की बात करें, 254mm का व्हील साइज देखने को मिल जाता है, अप्रॉक्स 10 इंच का व्हील साइज देखने को मिलेगा। ये भी आपको ट्यूबलेस एलॉय व्हील रेडियल टायर देखने को मिल जाता है ड्रम ब्रेक के साथ। साथ ही में आपको मैट ब्लैक फिनिश में इस गाड़ी का साइलेंसर देखने को मिल जाए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड, स्पार्क इग्निशन, ETF5 टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिल जाता है। 90cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो 5.4 PS की पावर जनरेट करेगा 6500 RPM पर, और 6.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 3500 RPM पर। दोस्तों इसमें आपको BS6 इंजन देखने को मिलता है, साथ ही में इसका जो पावर और टॉर्क है हल्का सा बढ़ गया है BS4 मॉडल की तुलना में, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं दिखेगा, और लेडीज़ को काफ़ी बढ़िया स्मूथ राइड प्रोवाइड कराएगी ये गाड़ी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इस गाड़ी के प्राइस को लेकर। तो जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 48,800 rupees देखने को मिल जाता है, यानी कि 48,800 rupees। सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है 55,400
₹99 की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 55,499 रुपए में। इसमें आपको एक साल का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप वन प्लस थ्री वाला इंश्योरेंस लेते हैं तो अप्रोक्स आपको 3,000 से 4,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो अप्रोक्स आपको 60,000 रुपीज ऑन रोड पड़ जाती है, यानी कि 60,000 रुपए पड़ जाती है। ये मैंने आपको एस्टिमेटेड प्राइस बताया। अगर आपको करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाय डीलरशिप पर जाकर पता कर लीजिए, सब कुछ वो आपको करेक्टली बता देंगे, प्राइस ऑफर्स वगैरह सब कुछ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।